सो हे गाइस, तो आज भाई मैं कोई भी रैंडमली एक मॉक टेस्ट उठा के अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। साथ में कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि इंग्लिश के टाइम पे मैं क्या सोच रहा होता हूँ, या क्वेश्चंस को मैं टिक कैसे करता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते उनमें मैं तुक्का कैसे मार रहा हूँ। ठीक है। सो काफी सारे फ्रेंड्स का, एस्पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि भाई इंग्लिश में मार्क्स जो है वो 25 से 30 से या 35 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स 40 से एक दो नंबर कम रह जाएं, लेकिन आमतौर पे 45 या अबव 40 तो बनते ही हैं। देखो, इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं, 12 अप्रैल का Shift 2 का ये टेस्ट उठा लेते हैं। ओके, सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, एंड आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स लाइक हाउ आई अटेम्प्ट टेस्ट एंड ऑल। सो कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो वेट करते हैं। एंड नेक्स्ट, सो लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। एंड सो क्वेश्चन ये है कि मैं फुल टेस्ट क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फुल टेस्ट में जो है टाइम 60 मिनट्स मिलेगा, एंड दैट विल बी सफिशियंट फॉर मी टू एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट। क्योंकि अगर हम सेक्शनल टेस्ट लेते हैं तो उसमें 12 ही मिनट मिलते हैं, वैसे भी सेक्शनल ओपन है नहीं अभी। सो द टेस्ट बिगिन्स, एंड इंग्लिश करते हैं। यू आर लुकिंग फॉर वर्ड, आर यू लुकिंग फॉर वर्ड टू सींग निखिल अगेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आर यू लुकिंग आता है, लुकिंग फॉर वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे टू के बाद जेरेंड आएगा, टू सींग। ये बहुत कॉमन सा एक क्या बोलते हैं इसको, एक रिलेशन है लुकिंग फॉर वर्ड का और इसका। सो होता ही है यो। जैसे आर यू लुकिंग फॉर वर्ड टू मीटिंग हिम, राइट। अफेक्शनल बींग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, फिक्शनल बींग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो ये एलियन भी हो सकता है, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है जो यहीं का हो, स्ट्रेंजर यानी जो जिसके साथ जान पहचाना हो, फॉरनर यानी जो विदेशी हो, किसी दूसरे देश का हो और किसी दूसरे वर्ल्ड का हो, वो एलियन है। अब फिक्शनल बींग क्यों बोला है? ये इसलिए बोला है क्योंकि एलियन को हमने देखा नहीं है कभी, ठीक है। इसलिए हम उसको, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, कि उसको हम यही मानते हैं कि वो जो है ऐसा दिखता होगा या इस तरह का होगा। सो इसलिए एलियन वुड बी अप्रोप्रिएट। बाद में जब सॉल्यूशन आएंगे तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और बाद में भी थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करती दूंगा बाद में। सो नेक्स्ट, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। पंचुअल होता है टाइम के साथ में रहना, डिसिप्लिन होता है अनुशासन में, जीलस होता है उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। तो ये बचता है पेइंग, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। ये वैसे डिसिप्लिन भी हो सकता है, लेकिन मुझे पंक्टिलियस ज्यादा ठीक लग रहा है। गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही ही आंसर है, लेकिन मैं एलिमिनेशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का होता है एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक वेल वेल मेंटेन्ड बिहेवियर, एक क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन से एक रूटीन बना हुआ उस तरह का बिहेवियर। पंक्चुअल होता है टाइम के हिसाब से, जीलस होता है उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। सो इसमें क्या होता है, इन इस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में आपको पता भी होगा, जो ये वर्ब होती है ना, इस वर्ब के हिसाब से पूरा गेम होता है, और जो ये वाला है ये वर्ब है उसके हिसाब से। ही ओपन्ड द डोर फॉर हिज मदर, उसने अपनी माँ के लिए दरवाजा खोला, दरवाजा उसके द्वारा खोला गया। ओपन्ड बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम, फॉर हिज मदर सेम टू सेम रहेगा। सो अगर यहाँ पे ओपन्ड है सिंपल, तो यहाँ पे वाज ओपन्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन्स होता तो यहाँ पे इज ओपन्ड हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या नाम, हैड ओपन्ड था तो यहाँ पे हैड बीन ओपन्ड हो जाता, ठीक है। सो वाज ओपन्ड बाय हिम फॉर हिज मदर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद पी क्यू आर एस, ये ABCD मान लो। चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा सेंस को समझना होता है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा सेंटेंस पहले है कौन सा बाद में। द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड डिपेंडिंग ऑन डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज। इट्स नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। इट हेल्प्स, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू,
इसका मतलब किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किस चीज के बारे में हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो ये जो है ना, ये है इस तरह का अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, यानी कि यहाँ पे अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट, पहले फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात की गई कि ये बेस्ट वे है, फिर बताया गया कि वो कैसे काम करता है। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट्स, राइट। सो पहले ये आएगा, उसके बाद सी के बाद फिर डी आएगा, उसके बाद ए आता है क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट की बात कही गई है कि आप बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करते हो, फिर इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है बैंक पे, डिपॉजिट अमाउंट पे और टाइम पे, कितने टाइम के लिए आपने जमा किया है। फिर इट नॉट ओनली हेल्प्स यू, ये सिर्फ आपको मदद ही नहीं करता है, यानी कि ऊपर ये जो चीजें थी इनके बाद में ये चीज आएगी, राइट। सो सी डी, वन सेकेंड, ओके ओके ओके। सो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की है इसने, यहाँ पे सेव मनी की बात थी यहां तक, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट की बात इसने कंप्लीट की कि इंटरेस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट कमा सकते हो, और वो इंटरेस्ट किस बात पे डिपेंड करेगा वो यहाँ पे इसने दे दिया। सो सी डी बी ए शुड बी द आंसर। ऑन द वेन, राइट, ऑन द वेन होता है, एक होता है वी आई वाला नहीं, शायद यही है मेरे ख्याल से वो। ऑन द वेन का अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द डिक्लाइन, ऑन द डिक्लाइन होना चाहिए शायद, ठीक है। एवरी एफर्ट बाई हिम वेंट ऑन द वेन, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। सो एंटोनिम प्रे, प्रे यानी क्या होता है, शिकार होता है, इसका एंटोनिम बताना है। तो जो प्रीडेटर होता है यानी शिकारी, वो इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो वाइटन जो होता है ना, डब्ल्यू एच आई टी ई एन वाइटन होना चाहिए, एनलाइटन ठीक है, हैसन ठीक है, ब्राइटन भी ठीक है, ई एन आता है। और ई एन जब इस तरह की चीजों के पीछे ई एन लगाते हैं ना, उसका मतलब करना, ठीक है, जैसे लेसन यानी पतला करना, टाइटन यानी टाइट करना, ब्राइटन उसको और उजागर करना, एनलाइटन किसी को मतलब ज्ञान देना या ज्ञान मिल जाना, ठीक है, इस तरह से। अ लॉन्ग शॉट, तो सेंस को समझना, सिर्फ जो लिटरल सेंस होती है उसके हिसाब से इसको किया जा सकता है, ठीक है। अ लॉन्ग शॉट, काफी लंबा शॉट या छलांग या कुछ भी बोल लो, ठीक है। अ करेक्ट प्रेडिक्शन, अ परफेक्ट एम, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ये तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वेरी प्रॉफिटेबल, अ लॉन्ग शॉट, लंबा जो है, या तो हो सकता है करेक्ट प्रेडिक्शन या फिर हो सकता है वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। परफेक्ट एम तो नहीं लगता है, लॉन्ग शॉट का मतलब या तो श्योर शॉट होता या कुछ और होता, वो परफेक्ट एम हो सकता था। सो या तो वेरी प्रॉफिटेबल या फिर अ करेक्ट प्रेडिक्शन, अ लॉन्ग शॉट, अ करेक्ट प्रेडिक्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा। गलत हो सकता है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत हो सकता है, ऐसा हर बार नहीं होता कि मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए हों, लेकिन कई बार मुझे मिले हैं, कई बार 47.5 मिले हैं, तो इसी वजह से। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, राइट, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। यहाँ पे क्या होता है, ओके, टू बी ओके ओके ओके, सो दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। सो इतना बुरा मतलब ग्रेव सिन है, इतना ज्यादा पाप है ये चीज कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे टू ग्रेव टू कुछ आए ना, टू डैश टू आए, इसका मतलब होता है कि वो ज्यादा है, मतलब नेगेटिव सेंस में ज्यादा है, जैसे कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतना थक गया हूं कि चल नहीं सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज टू ग्रेव सिन, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। वैसे तो यार सेंटेंस तो ये मुझे तो ठीक लग रहा है, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, पर अगर यहां पे दिखाई रहा है कि ये गलती है, तो हो सकता है कि टू ग्रेव सिन में गड़बड़ हो, दिस इज सिन,
टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, ऐसा होना चाहिए, दिस इज सिन टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पहले आएगा फिर ये आएगा। ओके सो देखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है दिस सिन इज टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, ठीक है, दिस सिन इज टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, चलो जो भी है फिलहाल इसको टिक करते हैं। पार्डन की स्पेलिंग ठीक थी। द पोइम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बींग ट्रांसलेटेड इन टू अदर लैंग्वेजेस, सो इसमें क्या करना, आर बींग है, ठीक है, आर बींग ट्रांसलेटेड इन टू अदर लैंग्वेजेस एंड पोइम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स, यहाँ पे भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ठीक है, ये पोइम्स भी प्लूरल है और पोएट्स भी प्लूरल है, तो क्या होता है कि ट्रांसलेट की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है हमें नहीं पता, सो यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आर बींग है तो आर हो जाएगा, आर प्लस आई एन जी, ठीक है, सिंपल सा ये दिख रहा है, इसी को लगाओ आगे बढ़ो। उसके बाद द एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टॉलन फ्रॉम द म्यूजियम, इसमें एरर बताना है, एंटीक डायमंड नेकलेस, पुराना हीरो का हार, वॉज स्टॉलन, चुराया गया फ्रॉम द म्यूजियम, म्यूजियम से चोरी हो गया, चुराया गया, ठीक है, स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, तो ठीक है, एंटीक डायमंड नेकलेस, ओके, सो नो एरर, आई थिंक नो एरर, बाकी देखते हैं क्या गलती बाद में निकलती है। फ्लूक, गिवन वर्ड, फ्लूक का नहीं पता क्या होता है, पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट, चांस, प्लान, पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज समवट ऑफ अ सिमिलर सेंस, सो प्लान एंड चांस के बीच में कुछ होगा, सो फ्लूक मैं जाना चाहूंगा चांस के साथ, सो लेट्स सी क्या होता है बाद में। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे, बोथ ऑफ के बाद आता है देम, बोथ ऑफ देम, राइट, बोथ ऑफ यू, इस तरह से रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम, रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम, ओके, सिंपल सा था, हो गया। शी सेड इट्स टू गुड टू बी ट्रू, जब यहाँ पे टू आता है तो नेगेटिव सेंस देता है, इट इज टू गुड, ये बहुत ज्यादा अच्छा है टू बी ट्रू, कि ये सच्चा नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में कि ये सच्चा नहीं हो सकता है, ये बनती है इस लाइन की लिटरल सेंस। सो शी सेड, अब जब यहाँ पे सेड आ गया ना, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है एंड इज की जगह वाज हो जाएगा, ठीक है, शी सेड इट, शी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, इज यहाँ पे है ये नहीं हो सकता, इज यहाँ पे ये नहीं हो सकता, इट के बाद वर आ रहा है, इट के बाद सिंगुलर आता है, ये प्लूरल लगा रखा है, इसलिए ये गलत है, बचता यही है, इसी को लगाओ आगे चलो। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डेस्पाइट अपोजिशन, ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे एक से ज्यादा गलती हो सकती है, सो मैं बता देता हूं कि मुझे कहां गलती लग रही है। सो फर्स्ट थिंग इज शी परसिस्टेड टू डू व्हाट शी वांटेड टू डेस्पाइट अपोजिशन, शी परसिस्टेड टू डू, वो परसिस्टेड है करने के लिए, व्हाट शी वांटेड टू, जो वो चाहती थी, वो करने के लिए परसिस्टेड थी, जो वो चाहती थी, मतलब वो उसको लगन थी वो करने की जो वो चाहती थी, डेस्पाइट अपोजिशन, विरोध के बावजूद भी, ठीक है, सो मुझे लगता है यहाँ पे वांटेड के बाद टू आना चाहिए और यहाँ पे टू के बाद डू आना चाहिए, सो सी परसिस्टेड टू डू व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन, सो शी वांटेड टू होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे टू नहीं दे रखा है, सो मुझे लगता है सिर्फ यही एक दिक्कत है, टू डूइंग है जो, ये थोड़ा गलत है, शी परसिस्टेड टू डू व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन, so I'm going with option number first. The unseasonal rain caused a lot of damage to the crops. So इसमें मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई ऐसा एरर, जो कोई खास ऐसा एरर हो जो उभर के सामने आता हो। The unseasonal rain caused a lot of damage to the crops. So this is a simple sentence, simply लिखा गया है, कोई बड़ी गलतियां नजर आती नहीं है, सो मैं जाना चाहूंगा नो एरर के साथ में, बाकी होने को तो हो सकता है कि caused lots of damage हो सकता है,
अ लॉट ऑफ की जगह, लेकिन हालांकि दोनों ही एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो वो क्या पता यहाँ लॉट्स आ जाए, फिर भी मैं नो एरर क्लिक करना चाहूंगा। सो लेट्स गो। ऑप्शनल का एंटोनिम, ऑप्शनल का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के हिसाब से हो, यानी हम चाहें तो उसको छोड़ दें, ना चाहें तो, जैसे क्वेश्चन से ये ऑप्शनल है, पर मार्क्स अगर हम लेना चाहें तो फिर ये कंपलसरी बन जाते हैं। वॉलंटरी का मतलब भी ऑप्शनल ही होता है, वॉलंटरी का मतलब भी अपनी इच्छा के हिसाब से। आर्बिट्ररी एक अलग चीज है, इलेक्टिव चुनाव करना किसी चीज का, वो भी एक तरह से ऑप्शनल होता है। तो कंपलसरी इज द राइट आंसर फॉर दिस। एंड वी गो। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। वंडरिंग अबाउट टेकिंग अप स्केटिंग, ठीक है। सो टेकिंग अप इज अपनाना, टेक अप का मतलब होता है अपनाना। I have been wondering to take up, wondering about taking up skating as a hobby. So I would like to go with option 2, wondering about. So wonder about is सोच विचार करना, ठीक है। So I have been wondering about taking up skating as a hobby. So this probably be wrong, जा सकता है wrong। मैं फुल श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, जो भी मैं गैस लगा रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस को छोड़कर, बाकी सारे के सारे मैं अप्रोक्स 90% एक्यूरेसी के साथ ये मान के चल रहा हूँ कि 90% मेरे से ठीक है, 10% चांस बनता है कि गलती हो जाए, क्या पता किस पॉइंट में कहाँ गलती हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होना चाहिए। सो इनस्क्रूटेबल जिसको क्या किया जाए, जिसको नियुक्त ना किया जा सके, ऐसा कुछ। इनस्क्रूटेबल मेरे ख्याल से नहीं, नियुक्त नहीं, जिसको जिसको छांटा ना जा सके, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत। इनडेलिबल का मतलब पता नहीं, इनएविटेबल का मतलब जिसको टाला ना जा सके, एंड इनएक्सप्लिकेबल जिसको समझाया ना जा सके। सो आई थिंक इनस्क्रूटेबल इनएक्सप्लिकेबल हो सकता है। सो मैं इसके साथ ही इसको ही क्लिक अभी करना चाहूंगा। सो नेक्स्ट, ओके, मेरी फेवरेट साइंटिस्ट के ऊपर अभी आ गया है एक पैराग्राफ। सो वी वुड आंसर दिस। मैरी वॉज बॉर्न इन 1867 इन वॉरसॉ पोलैंड एट एन डैश एज। ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, एट एन अर्ली एज, ठीक है। एन आ गया है, सीधी सी बात है, कोई ना कोई जो है वो वोवल की साउंड वाला ही आएगा इधर। सो यंग एज हो नहीं सकता क्योंकि ये आता है और ये जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इग्नोरेंट हो नहीं सकता, इन्फेंट भी नहीं, अर्ली एज होता है। सो शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी। शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड निखरी हुई पर्सनैलिटी, ब्रूइस्ड पर्सनैलिटी। ब्रूटल का यहाँ पे कोई काम नहीं, ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है। ब्लीथ का मुझे एक्चुअली में मुझे पता नहीं है ब्लीथ होता क्या है, सो मैं ब्रूस्ट के साथ जाऊंगा, ठीक है। हर ग्रेट एग्जुबरेंस फॉर लर्निंग डैश टू स्टडी फर्दर, डैश हर टू स्टडी फर्दर, ओके। हर ग्रेट एग्जुबरेंस फॉर लर्निंग, हर ग्रेट एग्जुबरेंस फॉर लर्निंग, उसका पढ़ाई के प्रति उत्साह मान लो या कुछ भी मान लो, मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। सो पढ़ाई के प्रति उसका उत्साह, डैश हर टू स्टडी फर्दर, प्रॉम्प्टेड हर टू स्टडी फर्दर या प्रोजेक्टेड हर टू स्टडी फर्दर, दोनों के दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं। प्रोजेक्टेड हर का मतलब होता है, प्रोजेक्टेड हर टू स्टडी फर्दर का मतलब क्या है कि उसको मतलब वहां तक पहुंचाया, वहां तक उकसाया। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो टेम्पटेशन एंड प्रॉम्प्ट एक जैसा ही लगता है, ठीक है। वहां तक लेके जाना या फिर वहां तक का लालच देना, इस तरह की थोड़ी सी सेंस आती है इस वर्ड की। सो एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर, प्रॉम्प्टेड हर टू स्टडी फर्दर इज अ बिट ऑफ क्या बोलते हैं। सो ये दो ही हैं, प्रोजेक्टेड एंड प्रॉम्प्टेड, जिसमें मुझे ये लगता है कि मुझे टिक करना चाहिए। सो ये दो में से एक में टिक करना है, तो यहाँ पे गलती के चांस हाई हो जाते हैं, यहाँ पे मैं
जो है थोड़ी और सेंस को समझने के लिए थोड़ा और टाइम इस पे मैं बिताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस पे। हर एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग प्रोजेक्टेड हर टू स्टडी फर्दर या प्रॉम्प्टेड हर टू स्टडी फर्दर। सो प्रॉम्प्टेड हर टू स्टडी फर्दर, आई थिंक दिस कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस, दिस मे बी द राइट आंसर फॉर दिस। हाउएवर शी बिकेम डैश व्हेन शी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी वाज क्लोज्ड। ओके, शी यहाँ पे फोर आएगा, ये मुझे पता है, फोर वेमेन। शी बिकेम डैश वेन शी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज फॉर वेमेन। वो दुखी हो गई, एक्चुअली यहाँ पे दुखी आएगा, ठीक है, दुखी यानी डिसग्रंटल्ड। डिसफिगर्ड यानी कि शेप बदल जाना, ये हुआ नहीं था। डिस्टिंग्विश्ड यानी कि अलग थलग निकल के आना, ये भी नहीं था। डिसहेबल्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता। डिसग्रंटल्ड मैं मान सकता हूँ कि दुख होना या दिल टूट जाना, इस तरह की कोई सेंस। सो शी बिकेम डिसग्रंटल्ड व्हेन शी लर्न दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज। फोर नहीं है तो टू आ गया, टू वेमेन, ठीक है। क्लोज टू वेमेन, क्लोज टू वेमेन का मतलब होता है महिलाओं के लिए वो बंद है। वैसे फोर इधर अच्छा सेंस बनता, लेकिन क्लोज टू वेमेन हो सकता है, और मुझे लगा था कि वो फोर नहीं देंगे, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे जो है हम देखेंगे इसको, कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट को, अब मैं हम सबमिट करके देखते हैं हमारा क्या स्कोर रहता है। सो मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम इसमें गलतियां करता, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हुई होगी तो हम बाद में देखेंगे कि वो गलती क्यों हुई है, और होपफुली 35 या 40 से भी अबोव जो है स्कोर वो रहना चाहिए। सो लेट्स सी। नॉट आंसर्ड वन, ओके ठीक है, सबमिट करते हैं, लेट्स सी। सो ये सेशन इसलिए था क्योंकि मॉक टेस्ट में स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में या तो कई बार काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। अभी मैंने टाइम लगा के इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्वेश्चंस को देखा कैसे जाए और अटेम्प्ट कैसे किया जाए, राइट। सो 42.5, इसका मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे गलत हुए हैं, ठीक है, 42.5, और 80% एक्यूरेसी रही है इसमें। सो इंग्लिश, सो मेरा एक हालांकि मॉक खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सो 42.5 इज अ नाइस स्कोर, आई थिंक। 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, या तो एक तो हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन 23वां हो सकता है जो गलत हो। सो कहाँ गया इंग्लिश, 22वां क्वेश्चन गलत है, 22वां क्वेश्चन नंबर, ओके। सो ब्लीथ शुड बी द आंसर यहाँ पे, ओके ये हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लीथ का मुझे आंसर नहीं पता है, और ब्लीथ का मतलब मुझे मीनिंग नहीं पता है, तो ये हो गया। ब्लीथ का मतलब होता है कितना, हसमुख, ओके हसमुख किस्म का, ठीक है। एंड नाइन्थ का मैं गैस करूंगा। लॉन्ग शॉट का मतलब होता क्या, वेरी प्रॉफिटेबल, हमने करेक्ट प्रेडिक्शन लगाया था, वेरी प्रॉफिटेबल नहीं, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ओके 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 ओके। लंबा शॉट जिसमें हमें ये पता ना हो कि कहाँ जाके गिरेगा शॉट, ओके ठीक है। एंड 12th, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टॉलन फ्रॉम द म्यूजियम। इसका मुझे लगा था कि ये ठीक होगा, पर यहाँ पे इन्होंने गलतियां दे रखी है कहीं ना कहीं। वाज स्टॉलन, स्टील स्टॉल स्टॉलन फ्रॉम द म्यूजियम, ओके। एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टॉलन, गॉट स्टॉलन या वाज स्टॉलन, नेकलेस वाज स्टॉलन फ्रॉम द म्यूजियम। सो मुझे तो लगता है यार इसमें नो एरर आना चाहिए, लेकिन वाज स्टॉलन की जगह गॉट स्टॉलन हो सकता है। एंटीक क्यों भाई, एंटीक में क्या दिक्कत है, एंटीक, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक वर्ड ही मिस कर रखा है। सो शुरू का वर्ड मिस करके वे लोग ग्रामेटिकल एरर के बारे में पूछ रहे हैं। यही यही इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जब एसएससी पूरे मार्क्स दे देता है बाद में बंदे को क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन के अंदर आ जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी गड़बड़ है, या तो यहाँ ए या एन या ऐसा कुछ या द ऐसा कुछ लगा के देना चाहिए था इनको। अगर ये नहीं देते हैं तो किसी भी मुद्दे पे ऐसा नहीं बोल, मैं बोल सकता हूँ मैंगो वॉज अनराइप्ड, ठीक है, मैंगो मैं बोल सकता हूँ मैंगो वॉज राइप, ठीक है, आम जो पका हुआ था। सो ए मैंगो या एन मैंगो आप उसके आगे लगा के बोल दो कि नहीं ये पहला सेंटेंस गलत है दूसरा ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है। होपफुली यहाँ पे इन्होंने इनको एन या ए कुछ ना कुछ देना चाहिए था, फिर सवाल करना चाहिए था। सो बाकी का आपने देख ही लिया कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किसे किया जा रहा है। ये वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इस वाले में कोई गलती या इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिखाई देती। एंड नाइन्थ है जो ये थोड़ा सा है दिक्कत वाला, लॉन्ग शॉट लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इस वर्ड का मतलब नहीं पता इसलिए ये गलती हुई है। सो ये वोकैब के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। सो ग्रामर में क्या होता है ना, ग्रामर में आपको टू सीइंग राइट, इसमें मैंने लगाया था, मैंने एक्सप्लेन भी इसको किया था कि कैसे आता है। सो जब यहाँ पे लिखा लगा लुक फॉर वर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद जीरेंड आता है, जीरेंड जो है वो फॉलोअप किया जाता है इसके बाद में। सो ट्रांजिटिव वर्ड के बाद में जीरेंड आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, इस तरह के सेट्स इसके जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बताइए, ये मैंने एक्सप्लेन अभी किया था, एलियन आंसर है। सो ऑल दैट, तो ये था टेस्ट। अब इंग्लिश में 40 मार्क्स से ऊपर जो है वो स्कोर करना ही करना होता है, और कैसे करना है, ग्रामर के क्या रूल्स हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में बुक में, और मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, उसमें देखिए कि सेंटेंसेस आते हैं तो वे किस तरह के उनकी फॉर्मेशन है, किस तरह की जो है उसमें वोकैबुलरी आती है, किस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम किस तरह के आ रहे हैं, क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत होने वाले थे, और भी क्वेश्चन थे जो गलत हो सकते थे, लेकिन कुछ में तुक्का ठीक लग गया, जैसे इसमें तुक्का सही लग गया, इन 3 का मतलब पता था, चौथे का नहीं पता था, सो ये लगाया और ये सही भी हो गया। ये तो पता ही था, सिंपल था, ये तो ग्रामर का बेसिक सा रूल। और ये वाला भी अभी हमने किया ही था बना के इसको। सो 78 ने करेक्ट कर रखा है, यानी कि 22% लोगों का ये गलत हो रखा है। ऑन द विन ऑन द डिक्लाइन, इसका 67% यानी कि 33% बच्चों ने ये गलत किया है। प्रे का प्रेडेटर होता है, ये 45% ने गलत किया, पता नहीं क्या लगाया है लोगों ने लेकिन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो प्रे का तो बहुत इजी होता है। एंड वाइटन में गलती थी, यहाँ पे 12% बच्चों ने गलती की है, यहाँ पे 47 यानी कि 53% लोगों ने यहाँ पे गलती की है, जिनमें एक मैं भी शामिल हो गया हूँ। टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, सो यहाँ पे क्या टू ग्रेव सिन ये मैंने लगाया था, ये ठीक है। एंड 35% लोगों ने गलतियां की हैं। सो टू ग्रेव अ सिन आएगा यहाँ पे, ओके। सो इस तरह का, जैसे ये वाला है, ये मुझे भी नहीं पता था इसमें गलती कैसे है। सो इसको मैं याद रख लूंगा कि इस तरह का जब आएगा तो टू ग्रेव अ सिन यही मतलब अ सिन जरूर आएगा। सो तो याद करने में ना क्या होता है कि आप एक बार देख लेते हो फिर आप भूलते नहीं हो, ये तो बेसिक था, ये हमने कर लिया। फ्लूक का हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिसी ऑफ समवट ऑफ सेम सेंस, एक जैसे लग रहे हैं। प्लान एंड चांस में आ सकता था, फ्लूक का मैंने क्या क्या फ्लूक का मैंने क्या लगाया था अभी, फ्लूक का मैंने क्या चांस चांस लगाया था। सो 36% बच्चों ने यहाँ पे गलती की। सो फ्लूक सरप्राइजिंग एंड लकी रिजल्ट, ठीक है, रिमूव फ्लूक बर्डन्स, ओके। सो याद कर लेना ही ठीक है। सो नेक्स्ट, रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम, ये मैंने बताया भी था,
यहाँ पे 8% ने गलती की, जो इजी वाले होते हैं वो सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। शी सेड इट्स टू गुड टू बी ट्रू, शी सेड इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, सिंपल था। यहाँ पे 6% लोगों ने गलतियाँ की हैं। Persisted to doing, to do what she wanted to, होना चाहिए वैसे तो, यहाँ पे 20% लोगों ने गलतियाँ की हैं। In doing should be to doing, okay, what in doing, ओके इन डूइंग होना चाहिए, टू डूइंग की जगह या तो टू डू या इन डूइंग, ठीक है ये दे रखा है। मेरे हिसाब से टू डू इज प्रोबली समवट एक्यूरेट, लेकिन चलो ये भी हो सकता है, अगर उन्होंने दिया है तो दिया ही है। कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, यहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं था, सो यहाँ पे 70% लोगों ने गलतियाँ कर रखी हैं, वही या तो अलॉट की जगह लॉट्स ऑफ। लोगों को ये लगता है कि अगर सेंटेंस में पूछ ली कि कोई गलती है बताओ और नो एरर दे दिया, तो उनको ये लगता है कि कोई ना कोई एरर तो हम ढूंढ के ही मानेंगे, ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। सो ये गलती है जो कई बार दिक्कत दे जाती है। ऑप्शनल का पता है आपको कैसे क्या है, वॉलंटरी इलेक्टिव आर्बिट्ररी तीनों एक तरह के सेंस के होते हैं, सो कंपल्सरी वुड बी द एंटोनिम। Wondering about taking up skating as a hobby, यहाँ पे 62% लोगों ने गलतियां की हैं, देख रहे हैं आप। So inscrutable, इसका synonym, ये होना नहीं था ठीक लेकिन हो गया, और यहाँ पे 70% लोगों ने गलतियां की हैं। So ऐसा नहीं है कि गलतियां होने वाले क्वेश्चन थे नहीं, क्वेश्चन काफी हार्ड भी थे, ऐसे ऐसे थे जिसमें 70% 80% लोगों की गलतियां हैं, वो भी क्वेश्चन ठीक निकल गए। सो हो सकता है कि एक आध बार तुक्का आपका गलत चला जाए, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स तुक्का जो है वो ठीक जाने की संभावना ज़्यादा है। 45 यानी कि 55% लोगों ने गलतियाँ की, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मेरा कोई सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। यहाँ पे 45%, यहाँ पे 71% शायद नहीं 61%, और यहाँ पे 53%। सो 50-60% के आसपास बच्चे गलतियां जहां कर रहे हैं, मेरे 3 क्वेश्चन वहां गलत हुए हैं। सो ये था आज का टेस्ट। इंग्लिश को आप एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आप करिए, सबसे पहले इंग्लिश को करिए, उसके बाद में जीएस को करिए, उसके बाद में आप रीजनिंग को करिए, लास्ट के जो टाइम बचता है आपका 20-25 या 30 मिनट तो बचेंगे होपफुली, उसमें आप मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करिए, और जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो वापस आप जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ा है रीजनिंग या मैथ्स में उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि जीके में आप तो हल्की फुल्की गैसिंग ट्राई करें, क्योंकि अगर आप 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गैस करते हैं जिनमें से आपका 2 भी ठीक हो गए, तो भी आपके 3 क्वेश्चन गलत होने से आपको 1.5 मार्क्स का नुकसान होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन ठीक होने से आपको 4 मार्क्स का फायदा, ओवरऑल आप 2.5 मार्क्स के फायदे में ही रहेंगे, ठीक है। 40% आपको सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए गैसिंग में और कुछ नहीं चाहिए। गैसिंग तभी इस्तेमाल करना जब आपको लगता है कि ऑप्शंस कुछ कुछ जाने पहचाने हैं और मैं एक आध ऑप्शन को काट सकता हूं, तब जाके आप करिएगा, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओली बोर्ड की जो लाइव टेस्ट की वीडियो है वो हम कल डालने वाले हैं, कल शाम तक, शाम के लगभग 5-6 बजे तक वो वीडियो आ जाएगी। सो बने रहिए चैनल के साथ। बाय फॉर नाउ।